बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरमीडिएट करके अपना कैरियर लॉ में प्रोसीड करने वाले स्टूडेंट्स जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स होना चाहते हैं और अपनी फील्ड चूज़ कर रहे हैं लॉ, एक बेहतरीन कैरियर है, एक बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग लॉ वाली फील्ड में आएँ। तो इसका स्कोप है, लेकिन इसके साथ आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपना नाम निकालने के लिए, अपने आप को एक अच्छा वकील साबित करने के लिए, और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन खैर ये बात अलग है। इसके अलावा हम बात करेंगे लैट टेस्ट के बारे में। लैट टेस्ट जो लॉ एडमिशन टेस्ट है जो HEC कंडक्ट करती है हर साल 2 से 3 मरतबा रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कितने स्टूडेंट्स हैं, किस हद तक रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए HEC की तरफ से लैट टेस्ट अनाउंस किया जाता है। और इस टाइम भी HEC की तरफ से लैट टेस्ट अनाउंस कर दिया गया। 3 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। 3 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, आप लोग HEC की वेबसाइट पर। HEC की वेबसाइट पे जाने के लिए और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जाना होता है etc.hec.gov.pk। लॉगिन पे जाके आप लोगों ने अपना लॉगिन क्रिएट करना है, वहां पे जाके आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग अप्लाई करके फीस सबमिट करवा के आप लोग इस काबिल होंगे कि आप जाके टेस्ट में बैठ सकेंगे। और बगैर लैट के टेस्ट के आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, लैट टेस्ट दिए बगैर आप लोग आगे लॉ में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कॉलेज में लॉ में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लाजमी तौर पे आप लोग अपना लैट टेस्ट क्लियर करें और लैट टेस्ट दें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। सिलेबस के बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बाद में गाइड कर दिया जाएगा कि इसका सिलेबस क्या होगा। अल्लाह आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।